तो भाई सारे भाई आ चुके हैं, अब चल रहे हैं अपने अपना राहुल भाई, मोहित भाई नया जुड़ा है। और भाई क्या हाल है भाई? चलो पेट्रोल डलवा लें एक बार। पेट्रोल हाईवे पे डलवा लेंगे? नहीं नहीं यहीं डलवाएंगे, मैं इसी से डलवाता हूँ। एक बार पहले उसको रुकेंगे, क्या कहते हैं, हाईवे पे टोल पे। हाँ। चलो वहाँ से कैमरा वगैरह सेटअप करके तो चलेंगे, ठीक है? ओके ब्रो। तो भाइयों एक बार जो है पेट्रोल डलवा लेते हैं, फिर ये नहीं रहेगा बीच में रुकना नहीं पड़ेगा, अपने पहले ही डलवा लो। वैसे भी मैं अपने यहीं तो डलवाया करूँ हर बार, तो इनको धोखा नहीं देता भाई, परमानेंट करा दूंगा इनका भाई। इनका तो टैंकर रिटर्न लग रहा है। है तो सही। लो जी भाई डलवा लिया है। यार ये दोनों शिकारी फिलहाल तक तो भाई मौसम जो है बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी प्रकार की। मेन चीज़ है धूप नहीं होनी चाहिए बस। भाई ये तो दोनों भाई भगा के दिखा रहा है यार। दरेक बरेस अच्छा। हाँ भाई हाँ जी हाँ जीत गया। ले भाई नुका जीत गया, जीत गो तो चल रहा होगा भाई बाइक पे। और चल रहे हैं भाई हम पचगांव प्राउडली देसी पे। यो ले भाई फेजर, धुआं सी दे रही है थोड़ी थोड़ी। बस मौसम ऐसा रहना चाहिए भाई और कुछ नहीं चाहिए। चालू है बगा बस 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 शांत हो जा शांत हो जा। डेढ़ सौ में है? अच्छा तो भाइयों अभी बस आप सीधा टोल पे पहुंच के मिलते हैं। केडकी टोल टैक्स है, थोड़ी सी आगे ही खड़ा है, ये टोल टैक्स रहा पीछे आपने दिख रहा है। अभी यात्रा शुरू करेंगे सीधा पचगांव रेस्टोरेंट रुकेंगे, उससे पहले कहीं पे भी नहीं। दो चार भाई अपने यहाँ पे खड़े भी हैं, पीछे देखो भाई ये खड़ी तगड़ी तगड़ी मोटरसाइकिल एक नंबर की। तो अब सीधा चलेंगे भाई पचगांव प्राउडली देसी, वहां पहुंच कर मिलते हैं। कैसा क्या रूटीन रहेगा बताते हैं भाइयों को। यो देख लो भाई इसका जुगाड़ भाई, ये देखो लोग तो बनाना है कैसे तो बनाना। तो भाइयों यहां तक निकल चुके हैं,
चलते हैं भाई, अब सीधा वहीं मिलते हैं आप सभी को। कैमरा एंगल वगैरह भाई एक बार आप कमेंट करके बताओ सही है नहीं है, आवाज़ कैसी आ रही है, सारी चीज़ एक बार, विंड नॉइज तो नहीं है, सारी चीज़ जो भी है एक बार आप कमेंट कर दो। ये देखो राहुल भाई पूरी फॉर्म में आज। इस वाली लाइन में चलेंगे भाई हम। भाई मेरे को लग रहा है पल्सर 220 में छठा गियर भी होना चाहिए था, फिर तो भाई कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती इसकी टॉप स्पीड जो है, और थोड़ी रिफाइंड भी हो जाती। छठा गियर होना चाहिए था भाई इसमें। आगे देखो भाई ये अरावली की पहाड़ियां दिखने लगी है। ये अपना मोहित भाई भी आ चुका है। पहुंच लिए भाई मानेसर बस स्टैंड। यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ सी मिलेगी है थोड़ी बहुत, क्योंकि यहाँ पे भाई स्पीड में गाड़ियां जा नहीं सकती, तो आराम से ही चलते हैं सब। ये क्रॉस होते के साथ फिर से जो है भाई बढ़िया रास्ता मिल जाएगा बिल्कुल खाली, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। यहाँ पे कैसे भर के चल रहा है यार हाईवे। राहुल भाई यार तो पीछे ही चल रहे हैं, अभी दिख ही नहीं रहे। थोड़ा सा मंदी मंदी चलते हैं भाई, उनको आने देते हैं। मौसम का इंजॉय करते हुए बढ़िया अपने हवा लेते हुए इतने हम इंतज़ार करेंगे। ये भाई देखो भाई साइकिल पर आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, साइकिल पे भी आना चाहिए भाई, फिटनेस बढ़िया रहती है। अब चलेंगे आराम से, उनको आ जाने देते हैं एक बार, बाकी ज़्यादा दूर का रास्ता तो है नहीं, अब पहुँच ही लिए बस। मौसम बढ़िया है भाई कुछ भी कहो। कहाँ रह गए थे यार हैं? क्या कह रहा है मोहित, कहाँ है? आगे भाई, सारे भाई आगे चले आ जाए। ये देखो भाई कैसे गाली दे रहे हैं। तो भाइयों यहाँ पे चेकिंग लगा रखी है इनने, और हम भी अपने पहुंच लिए। ये आ गया अपना पचगांव प्राउडली देसी। लो जी भाई एंट्री हो चुकी है, क्या बात है क्या बात है, देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है। हम तो अपनी ना अलग लगाएंगे भाई। तो भाई अभी जितनी भी बाइक यहाँ पर खड़ी है सबके सिनेमैटिक आपको दिखाता हूँ, एंजॉय। चीज़ हो रहा है कोई भी भाई अपनी फैमिली ने लेके रेस्टोरेंट में आवे कि भाई पचगांव चलते हैं, संडे को खासकर मत आना भाई। अभी हम जा रहे थे अंदर, मगो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेते हैं। तो अंदर भाई सीटी बुक है सारी। ये देखो ये फैमिली आई थी, अब वो बेचारे वापस जा रहे हैं।
बिल्कुल बुक है, सब फुल है, सारे बाहर वेटिंग कर रहे हैं। हमारा भी नाम लिखा है, बोले जी खाली होगा तो आपका नाम अनाउंस कर देंगे, फिर आ जाना। ये क्या बात हुई यार, तो संडे ने खासकर भाई मत आना, परेशान हो जाओगे। ठीक है भाई, तो भाइयों अब निकलते हैं अपने घर के लिए। थोड़े बहुत मैं रास्ते में आपको दिखा दूंगा कैमरे से सीन वगैरह, तो चलते चलते बात करते हैं अब आपको आगे। तो भाइयों अपनी बाइक के भी जो है 30,000 किलोमीटर पूरे हो गए, देखो 30,016 वापिस चल रहे हैं घर पे। आज की भाई उम्मीद करता हूँ आपको राइड पसंद आई होगी, एक नंबर का मजा आ गया भाई आके। आपने कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना भाई, आवाज़ वगैरह सारी चीज़ ओके, रिपोर्ट है नहीं है, क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल चाहिएगी। तो घर पहुँच लेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में, आराम से चलेंगे जब 20 मिनट का रास्ता है, आधे रास्ते में आ चुका हूँ। तो अपना बढ़िया मज़ा आ गया, मतलब कहने का ये है। वैसे एक है उसमें भाई नाश्ता पानी नहीं कर पाए पचगाँव में, भीड़ इतनी थी अंदर ही नहीं जाने दे रही कि भाई सीट फुल है बिल्कुल। और जो फैमिली वाले आ रहे थे वो ऐसे तंग बेचारे, इतनी दूर से आते हैं संडे मनाने के लिए, तो फिर उनको कहीं और जाना पड़ता है भाई। तो मैं तो यही कहूँगा भाई कोई संडे को आए तो बिल्कुल मत आओ फैमिली के साथ, और दिन आ जाओ, और दिन यहाँ पे भीड़ नहीं रहती। संडे को ही जो है रस रहता था, मैंने दिखाई थी पूरी पार्किंग कितनी भाई साहब फुल थी, बाइक ही बाइक खड़ी हुई थी वहाँ पे। दोनों भाई अपने पीछे आ रहे हैं, बाकी आराम से चल रहे भाई, अब कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो भाई आवाज़ कैसी आ रही है, यो देखो